वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अज असीं तुहानूं दस्सांगे एक बाद जिहड़ी फसल है इहदे उत्ते बीमारी दा वी अटैक हुंदा है, जिहड़ा हुण महीना चलण डिया इहदे ते फुल गुड्डी दा जोर एक बार नूं आया। वेखो तुहाडे सामने टिंडे लगे ने, उस तों बाद कोई फुल सुकदे वी पए ने, उह वी असीं तुहानूं दिखा लांगे। फर्ज़ कीता आ जिहड़ा फुल है इह खतम हो गया, इहनूं मसला बण गया, इहदी दवाई जिहड़ी इहदे वास्ते स्प्रे वी करनी जरूरी है, उस तों बाद इहनूं खाद या सल्फर पाउणा वी जरूरी है जी। सारी कपाह इस तरीके दे नाल चेक करने पे हैं। साडी कपाह जिहड़ी बहुत ज़्यादा वड्डी हो गई है, 6 फुट हो गई है। 6 फुट जदों कपाह हो जाए तो इहदे विच हवा जिहड़ी नहीं लगती, ये तकरीबन मेरे तो भी उच्ची कपाह हो गई है। तो आ हुण असीं स्प्रे करनी है, इहनूं चेक करके मैं स्प्रे लियानी है। सूंडी दी वी, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, तेला वह भी जड़ा ना काफ़ी हद तक जड़ा ना लगा होया कपाह नूं। इस तरीके दे नाल नाल मैं तुहानूं अपनी जिहड़ी कपाह वे इहनूं दसण विखाण दिया कि की मसला मसायल है। आ जिहड़े फुल सुकदे ने कपाह दे, क्यों सुकदे ने, इहनूं क्यों बीमारी कीड़ी लगी है, इहदी असां हुणे जिहड़ी अज ही स्प्रे करनी। हुणे थोड़ी देर तक मैं अपनी स्प्रे करांगा अपनी प्याली दे विच, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, असीं इकट्ठे रल के काम करने। आ जिहड़े फुल सुकदे पए ने, क्यों सुकण डे ने, इहनूं इक खुराक की कमी है जिहदी वजह तों कपाह दे जिहड़े फुल ने सुकण डे ने। कोई गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तो जरा कपाह में स्प्रे करना भी बहुत जरूरी है। गुलाबी चितकबरी सूंडी का जरा अटैक हो सकता जो टिंडा तैयार होने दिया हो, टिंडा मुकम्मल तैयार हो गया, इनू भी जरा सूंडी का बहुत ही खतरा है, क्योंकि जिनी देर खिड़दा नहीं गा है जी। किन्ने किलिया की दवाई ला डे आप? एक एकड़ जी। दवाई केड़ी केड़ी है जनाब? हुण असीं जिहड़ा है स्प्रे वाली टैंकी का ढक्कण खोल के स्प्रे पानी शुरू करनी है। इहदे विच जाली भी लगी हुंदी है, असीं तीन टैंकियां ने साडे कोल, असीं तिना टैंकियां इकट्ठी दवा पा के इकट्ठे तीन जने स्प्रे करने आ जी। आ वेखो तुहाडे सामने जिहड़ी जाली ठीक है, असीं उहदे उत्ते कपड़ा भी पा के ते फिर दवाई पमैश दे नाल पानी हुंदी है। दवाई सारियां टैंकियां च इक्को जिन्नी पवे, किसे च ना थोड़ी पवे ना ज़्यादा पवे, डो जिहड़ी मकदार इक्को जिन्नी होएगी ते रिजल्ट भी ठीक है। अगर ज़्यादा दवाई अगर पाई जावे ना तो फिर वो नुकसान करती है, कपाह जिहड़ी है ना उहदे पत्ते पीले होने खट्टे होने शुरू हो जाते हैं। इस तों आ दवाई जिहड़ी एक मकदार दे नाल नाल आ जिहड़ा भाई इहने बनाई है, 1 किले की दवाई है, 4 टैंकियां लाणियां ने उस हिसाब के नाल, ठीक है। जिहड़ी जे दवाई पाई जाता दूसरा पाई उहदे च जिहड़ा है ना पानी खाले तो चलता पानी जिहड़ा है ना साफ पानी है, कोई इहदे च कचरा शचरा नहीं आया। कपड़ा विछा के कई टैंकियां कपड़े नाल ते कई जाली दे नाल जिहड़ा है ना असीं पानी पाने जी। इस तरीके दे नाल नाल असीं जिहड़ी है ना स्प्रे भी पाने आ तुहाडे सामने। आ इत्थे कुछ जिहड़ा इहदे उत्ते कपड़ा रख के पाया, इहदे च जाली नहीं सी है जी, इस तों इहदे उत्ते कपड़ा रख्या, कपड़ा रख के ते बाद च दवाई पाइणी है। आ थोड़ा जिहा कोई 2 कुप्पियां पानी दीआं पाइयां ने इस दे तक जिहड़ा है ना दवाई जिहड़ी स्प्रे वे, क्योंकि थोड़ा जिहा पानी विच हो जावे ना टैंकी दे ते फिर उत्तों दवाई पाई जावे ना ते फिर दवाई जिहड़ी टैंकी दे विच रल कट्ठी जांदी है सारी दवाई जिहड़ी है ना। इस तरीके दे नाल नाल पानी वी ते दवाई जिहड़ी है ना दोवें कट्ठियां पै रहीआं। थोड़ा जिहा टैंकी च पहलां पानी होवे ना 5 किलो, जिहड़ी टैंकी च 20 किलो पानी पैंदा, उत्तों जो स्प्रे पा के तो उत्तों पानी पाया जाए तो स्प्रे जिहड़ी है ना सारी तकरीबन जिहड़ी स्प्रे ते पानी जिहड़ा ना टैंकी दे विच रल चंगा जांदा है, तकरीबन सारा इक्को जिहा जहर हो जांदा टैंकी ते, क्योंकि जिहड़ा पाउडर नुमा हुंदा वे इह अगर एवें पा दईए ते जाके टैंकी दे थले बह जांदा है, क्योंकि चंगी तरह हल नहीं हुंदा। आ वेखो जी पिछली साइड ते इक दोस्त उहने इक साडे चों उहने जिहड़ी टैंकी बह के चुकनी है खाले के बंदे उत्ते बह के आराम नाल उठना टैंकी दवाई जिहड़ी है ना बंदे दे उत्ते भी ना पे, क्योंकि दवाई जहरीली हुंदी है, जे अगर उत्ते पै जावे तो फिर साड़ सूड़ जिसम ते पैंदा रहिंदा, कोई एलर्जी दा भी मसला बन जाता। यह दूसरा मेरा नाल दा साथी है, ये जिहड़ा टैंकी खलोक ही चुकदा, खलोक भी चुकी जाती है, बह के भी चुकी जाती, जिवें बंदा सही चुकदा उस तरीके दे नाल नाल। वह भाई सी मेरा दनान, वह ऐन चुकन लगा तो उन्होंने को हाथ में ना स्प्रे जहर लगा से अख में कितने लग गया, फिर इस तो मैं उन्होंने आख्या कि तू अख के उत्तों ना साफ पानी के छिटे मार, ताकि जो कोई गर्दक बार है भी है ना कोई मसला बन जाए स्प्रे कर दें या दवाई लग जाए, फिर साफ पानी के जड़े ना छिटे
ऐसा ऐसा अख न मारी देने ताकि जड़ा ना जहर बहर आ जाए अख सही हो जाए। ऐ जड़े ना साथी हूँ जान रहे हैं जेडे एक असी स्प्रे करनी असी उत्थे जाके तो हमने स्प्रे जड़ी है ना तिने जो साथी इकट्ठे हो गए तो फिर असी स्प्रे करनी जड़ी है ना अपनी प्याली नू शुरू कर देनी है। और रस्ता खाले दे विचों असी छाल मार करनी टपते उन दे विचों आराम दे नाल जड़ा ना नंगना हुंदा ताकि स्प्रे वाली टेंकी भी होंगी है जहर हों पिछे क्योंकि आराम के नाल लंघना कोई सट सुट अपने आप में ना लगे तो किसी साथी का भी ख्याल करना है। जो बंदा कपाह दे विच वड़ जाता है स्प्रे करन तो पहला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेनी चाहिए है क्योंकि अल्लाह पाक की जात जी है ना खैर खरीयत ना सारा काम जरा सा हो तो उतों असी जड़ा ना सारे यार दोस्तों ने ना वक्फा जड़ा ना इको जहा कर लेना उनके कोई जड़ा है ना मसला नहीं करना कि एक बंदा नाल नाल नहीं खिलौना हर बंदे नू दो तीन खेलों का वक्फा जरूर होवे उत्थे तक जिथे तक उनकी स्प्रे की दवाई जड़ी है ना पै जाए ना बकायदा जड़ी है ना इस तरीके दे नाल नाल असां स्प्रे करनी है। वो यह साडा तरीका वेखो जी असीं स्प्रे करके इतों चैक कर लेना जो करनी है ना कि स्प्रे जिन्ना वक्फा असीं रख्या उनके उत्ते बकायदा जी स्प्रे जी उन्हां सियाड़ां दे उत्ते जान डई वह ना हो सियाड़ विचों रह जाए स्प्रे करन तो पहला इन इस गल का ख्याल रखना इन्ना वक्त जे बंदे दो तीन या चार हो फिर इन्ना वक्फा रखना चाहिए कि स्प्रे एक दूजे की बंदे ते भी ना पवे तो सियाड़ां ते भी पवे। इस तरीके दे नाल नाल तीन टेंकियां असी लैके तो किले दे विच चलन लिया कपाह तुहाडे सामने साडी जिहड़ी असी तुहानू वीडियो ते शुरू ते दिखाई सी क्योंकि मौसम है फल दा तो जो फल लगन डिया होवे ना कपाह दे कपाह नू वो तो उन्हें स्प्रे करना जड़ा बहुत ही जरूरी होंगी है। स्प्रे ना करिए तो फिर मक्खी तो सूडी का अटैक तो थ्रिप्स तेला जड़ा ना ये जड़ा ना कपाह के उत्ते जड़ा ना अपना अटैक पूरा कर देता है। ये अटैक नू खत्म करने वास्ते तो असी जी है ना हूने तो जड़ा ना स्प्रे करनी शुरू कर दी। स्प्रे साड़ी जी तीसरी स्प्रे दो असी पहला कीतियां ने स्प्रेव जड़िया स्प्रेव तुम साड़ियाँ वेचते पे जे कि असी किस तरीके दे नाल नाल असी स्प्रे करने यह साडा तरीकाकार है जड़ा असी अपनी कपाह फसल नू आप स्प्रे करने उत्ते खलो के करवा जे असी मुल करवानी हो फिर असी उत्ते खलोने ताकि कोई जगह खाली ना रवे किसी क्योंकि खाली रही तो फिर नुकसान है ना बीमारी तो उस जगह तो रह गई ना। इस तरीके दे नाल नाल मेरे तिने भाई जड़े ने लगे ने मैं भी नाल ही हाँ मैं कोई इस तरीके दे नाल नाल असी स्प्रे अपनी फसल नू करते पे कपाह की फसल तुहाडे सामने कपाह जी 6-7 फुट कितों कितों वो जड़े शुरू शुरू तो मैं वीडियो तो दिखाई सी वो कपाह का मत्था जी उत्थे कोई दरखत सन साइड थले कपाह जी हमेशा जी उन्नी नहीं वधदी हुंदी जिन्नी वधनी चाहीदी है। अगला बन्ना आ गया जिथों नवें सिरों असी मत्था जिहड़ा स्प्रे वाला नहीं किया क्योंकि बाद जे एक टेंकी जी मत्थे ते ला लवांगे उस तो बाद असी दूसरी जी लैन दोबारा जी शुरू तो करन लगे हैं क्योंकि हुण दूसरे पास एक साथ ही तुर पिया स्प्रे करन भार उहदी तुहानू पिछे नज़र आण डई है किस तरीके दे नाल असी जिहड़ा ना स्प्रे करन डए हैं अपना पूरी हिफाजत दे नाल स्प्रे करनी है जी। स्प्रे हर बंदा नहीं कर सकता हुंदा जे बंदा तजर्बा है या जिहड़ा बंदा जहर कई बंदों सह का भी मसला होंगे स्प्रे कर लगे कई बहुत चढ़ जाती स्प्रे का जहर जोड़ा सह लैन तो तंगी मुश्किल पेश आती तो मेरे साथी असी लगे हैं अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कहजे तक अल्लाह के अलहमदुल्ला बहुत शुक्र गुजार हाँ कि साडा जोड़ा काम है स्प्रे वाला असी करने सू कभी कोई मसला नहीं बने अल्लाह करे ना कभी किसी को बने ना बनना चाहिए है जी। हर जिमीदार भाई जरा वो अपनी स्प्रे आप खुद करे मौके से खुद खलो के करवाए स्प्रे ताकि स्प्रे जी सारे बूटों के बराबर पवे उनका रिजल्ट जरा ठीक आवे। इस तरीके दे नाल नाल स्प्रे करने देख रहे पे जे कि फुहारा जरा साढ़े को 8 सराखा फुहारा है तो चार्जिंग वाली मशीन ने जि क्योंकि बंदा सिर्फ जोड़ा अगों नाली फाड़ के उन्होंने सैडा से फेरना होंगे जोड़ा दो तीन सियाड़ उधरों लै जाए 6 सियाड़ा स्प्रे करनी होंगी है बैक टुरे या सीधा टुरे वो बंदे की अपनी हिम्मत के सिर पर बंदा बैक टुर सकता सीधा टुर सकता जी। इस तरीके दे नाल नाल असी स्प्रे करने अपना मूँह शूँह हर शहर दस्ताने तो बूट उस तो बाद चेहरे पर कपड़ा वलेटना भी चाहिए क्योंकि जहर ना कोई खेड नहीं है अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। इस तरीके दे नाल नाल असी सारी स्प्रे जी अपनी फसल में आप ही करने जी। आ इधरों वाला पासा असी मत्था कर लिया है वह पासा वे जेडे पासे कपाह छोटी है साया वे दरखत ने क्योंकि दरख्तों का होना भी जरूरी है जी। ऐ वेखो फिर असी जरा ना एक वापस जरा उस किले के बेच तुहाडे सामने 10-12 मिनटों के बेच असी किला स्प्रे का 3 बंदे 4 हो तो कर लें जी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बंदे के अपने सिर पर होंगे मशीन चंगी हो बंदा टुरे भी सही सही
ਤੇ ਸਪਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਸ ਠੀਕ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ। ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।